अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल मनान और मेरे साथ है, हमाद सुबानी। आप देख रहे हैं व्यूज कॉर्नर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए एक और रिएक्शन वीडियो लेके आए हैं जो कि एक ट्रेन पे ही बनी हुई है। इससे पहले हम दो वीडियोस ट्रेन 18 पे और तेजस पे हम रिएक्ट कर रिएक्ट चुके कर चुके हैं, हैं और ये जो वीडियो हमें वो सजेस्ट किया हमाद, कार्तिक कुमार ने। और वीडियो का नाम है जी टॉप 10 मोस्ट लग्जरियस ट्रेन इन इंडिया। बिल्कुल और वीडियो पे चलने से पहले हमाद, बिल्कुल, जिन लोगों ने हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर लें ताकि हमारा उनको हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन इजीली मिल सके, और आता कि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस मिस ना ना हो हो। सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। बिल्कुल इंडिया की टॉप 10 लग्जरी ट्रेन्स। ट्रेन से चेन्नई लटककर एक्सप्रेस। उतरना या ट्रैक्स पर चलना खतरनाक है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। आखिरी बार आपने ट्रेन का सफर कब किया था? आपका आपके मैंने अपने साल पहले चैनल किया टॉप था। टेन पर एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। मेरे 1.5 साल हो आज गए। हम बात करेंगे इंडिया की टॉप 10 ऐसी लग्जरी ट्रेन्स के बारे में जिनका सफर करके आपको राजाओं महाराजाओं सा महसूस होगा। ना सिर्फ ये ट्रेन्स भारत की शान है बल्कि इनका नाम दुनिया की सबसे लग्जूरियस ट्रेन्स में गिना जाता है। इन सारी ट्रेन्स के सफर में प्रकृति का सौंदर्य बसता है और आपको इसका अनुभव जरूर करना चाहिए, लेकिन आपकी खुद की खरीदी हुई टिकट के साथ। और कुछ टिकट्स इतनी महंगी हैं कि शायद इन्हें खरीदने के लिए मुझे अपनी किडनीज भी बेचनी पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। 10 हेरिटेज ऑन व्हील्स। इंडिया की सबसे पुरानी लग्जरी ट्रेन्स में से एक हेरिटेज ऑन व्हील्स राजस्थान की धरोहर की सैर करवाती है। इसके कई कंपार्टमेंट्स पैलेस ऑन व्हील्स से लिए गए हैं और इसलिए इसकी शान और शौकत में कोई कमी नहीं है। इसका रूट राजस्थान के बीकानेर, नवलगढ़ और पूरे शेखावटी हिस्से से होकर गुजरता है। इस बेहद खूबसूरत ट्रेन में सफर करने का किराया 10,000 से 20,500 रुपए के बीच है। हेरिटेज ऑन व्हील्स हफ्ते में केवल 2 दिन जयपुर से चलती है। शाही कैबिन्स, कॉन्टिनेंटल लोकल रेस्टोरेंट्स और आलीशान बार्स इस ट्रेन को हर तरह से लग्जरी बनाते हैं। 9 पंज तख्त दर्शन ट्रेन। ये ट्रेन खास तौर पे सिख समाज के लिए बनाई गई है जिसमें बैठकर व्यक्ति एक ही बार में देश के 5 प्रमुख गुरुद्वारों के दर्शन कर सकता है। ट्रेन में पंजाबी संस्कृति की झलक साफ साफ दिखाई देती है। इस ट्रेन का रूट दिल्ली से अमृतसर, सरहिंद और भटिंडा तक का है और ये सफर केवल 4 दिनों में तय कर लिया जाता है। आप सोच रहे होंगे पाउंटा और नांदेड़ साहिब का क्या? तो फिक्र ना करें, इस ट्रेन के पैकेज से दोनों जगहों तक फ्लाइट से पहुंचाया जाता है और वापस दिल्ली भी लाया जाता है। वैसे इस ट्रेन को शायद लग्जरी ना कहा जाए लेकिन ये अपने आप में एक सबसे अनोखी और अलग ट्रेन जरूर है। 8 महापरिनिर्वाण एक्सप्रेस। ये एक स्पेशल लग्जरी ट्रेन है जो बौद्ध भारत का दर्शन कराती है। इस आध्यात्मिक ट्रेन में मालाएं पहनाकर स्वागत किया जाता है और मुफ्त में बौद्ध साहित्य भी दिया जाता है। इस ट्रेन का सफर भगवान बुद्धा के जीवन पड़ाव के साथ साथ चलता है। उनके जन्म के स्थान से लेकर उनके निर्वाण स्थान तक ये ट्रेन सब जगह ले जाती है। दिल्ली से बिहार और नेपाल तक जाने वाली ये देश की चुनिंदा इंटरनेशनल ट्रेन्स में से एक है। क्योंकि ये ट्रेन नेपाल तक जाती है इसलिए यात्रियों के पास वीजा होना जरूरी है और ये बॉर्डर पर आसानी से उपलब्ध भी हो जाता है। इस ट्रेन में 7 दिनों के पैकेज के लिए फर्स्ट क्लास के 75,000 और सेकंड क्लास के 60,000 रुपए लगते हैं और भारतीय नागरिकों को 10% की छूट भी मिलती है। यात्रियों को कोई असुविधा ना हो इसलिए एक हिंदी भाषी अटेंडेंट भी दिया जाता है। सारे बौद्ध तीर्थों तक कम समय में और आसानी से पहुंचने का बेहतरीन साधन है। 7 रॉयल ओरिएंटल ट्रेन। रॉयल ओरिएंटल ट्रेन इंडिया की सबसे पुरानी लग्जरी ट्रेन है जो ब्रिटिश राज के दौरान शुरू की गई थी। 1855 से चलने वाली ये ट्रेन दिल्ली से चलकर राजस्थान और गुजरात के हर बड़े शहर तक का सफर तय करती है। इस 5-स्टार ट्रेन में शानदार कैबिन्स, कई तरह का खाना बनाने वाले रेस्टोरेंट और एक बार भी है।
इसके अलावा अगर आप बोर हो जाते हैं तो इसमें एक लाइब्रेरी भी है जो हर समय आपके लिए खुली है। एहसास कीजिए कि 5-स्टार होटल का जो कुछ भी वहाँ होता वो सब इस ट्रेन में मौजूद है। इसके लग्जूरियस कैबिन्स में एसी, टीवी, डीवीडी और पर्सनल बाथरूम भी होते हैं। और इसकी खास बात ये है कि ये हमेशा समय पर चलती है। इसकी एक टिकट की कीमत 8,000 रुपए प्रतिदिन है, जो इतने आरामदायक सफर के लिए कोई ज्यादा नहीं है। अफोर्डेबल प्राइस है। 6. फेरी क्वीन एक्सप्रेस। अगर आप एक छोटे और रिफ्रेशिंग सफर पर जाना चाहते हैं, तो ये ट्रेन आप ही के लिए बनी है। जी हाँ, दिल्ली से अलवर को जाने वाली फेरी क्वीन एक्सप्रेस कुछ ऐसा ही सफर करवाती है। सरिस्का नेशनल पार्क तक टूरिस्ट को ले जाने के लिए इस ट्रेन को शुरू किया गया था। 1800 के समय से चल रहा इसका इंजन इंडिया का सबसे पुराना ट्रेन इंजन है, और इसलिए इस ट्रेन का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। कई अवार्ड से सम्मानित ये ट्रेन का रहना और खाना मुफ्त है। सरिस्का नेशनल पार्क की जंगल सफारी एक टूरिस्ट को ले जाना इस ट्रेन का मुख्य उद्देश्य है। 11,000 रुपए में ये 2 दिनों का एक सुखद सफर कराती है। बस बात ये है कि ये महीने में केवल 2 ही दिन चलती है, और इसलिए आपको पहले ही टिकट बुक करवानी होगी। इस ट्रेन की बनावट इस प्रकार की गई है कि इसमें बैठने वाले सारे 60 पैसेंजर्स कांच के द्वारा आगे की ओर देख सकते हैं, और इस ट्रेन की विशाल पेंट्री कार भी एक विशेष आकर्षण है। 5. गोल्डन चैरियट। पूरे साउथ इंडिया का टूर करना चाहते हैं? गोल्डन चैरियट से अच्छा और कोई तरीका नहीं है। पूरे दक्षिण भारत का टूर केवल 8 दिनों में कराने वाली ये ट्रेन वाकई में शाही है। 2008 में शुरू की गई इस ट्रेन में शाही बैठक, कई सारे रेस्टोरेंट्स और एक अत्याधुनिक जिम है। अगर आप लंबे सफर की वजह से थक चुके हैं, तो इस ट्रेन का आयुर्वेदिक स्पा आपकी सेवा में हर समय हाजिर रहेगा। कोई शक नहीं, एशियाज बेस्ट लग्जरी ट्रेन का खिताब भी गोल्डन चैरियट के ही नाम है। गोल्डन चैरियट के हर कोच का नाम कर्नाटक पर शासन करने वाली रियासतों पर है। बेंगलोर, मैसूर, हम्पी, गोवा, पुडुचेरी और मदुरई जैसी सारी मुख्य जगहों से होकर ये ट्रेन गुजरती है, और इस ट्रेन का खर्च भी इसके जैसा शाही है। एक टिकट की कीमत 2,60,000 से 4,30,000 रुपए है, और गोल्डन चैरियट के 2 टूर पैकेज हैं, सदर्न स्प्लेंडर और प्राइड ऑफ साउथ। 4. डेक्कन ओडिसी। महाराष्ट्र और गुजरात के खूबसूरत पहाड़ों तक ले जाने वाली ये ट्रेन की बनावट किसी महल से कम नहीं है। नकाशी का उपयोग और कई सारी सुविधाओं के साथ ये भारत की सबसे आलीशान ट्रेन्स में से एक है। सारी लग्जरी ट्रेन से अलग डेक्कन ओडिसी में लाउंज और पर्सनल कॉन्फ्रेंस कार की सुविधा भी है। तो अगर आप एंजॉयमेंट के बीच अपने काम को रोकना नहीं चाहते, तो ये ट्रेन इस बात का खास ध्यान रखती है। रेस्टोरेंट से मिलने वाला मनपसंद खाना और म्यूजिक सफर को बेहद आरामदायक बनाते हैं। मुंबई के शोर से लेकर अजंता की गुफाओं तक, गोवा के बीचेस और नासिक के मंदिरों तक इस ट्रेन का सफर किसी सपने जैसा है। डेक्कन ओडिसी में डीलक्स कैबिन 4,30,000 से शुरू होते हैं, पर हेड 4,00,000 की कीमत 9,24,000 है। पूरे कैबिन की तेज रफ्तार से चलने वाली ये ट्रेन हमेशा समय की पाबंद और हॉस्पिटैलिटी में आगे रहती है। 3. पैलेस ऑन व्हील्स। नाम की तरह ये ट्रेन एक चलता फिरता पैलेस है। राजस्थान भ्रमण के लिए इस ट्रेन को खास तौर पर बनाया गया है। महलों सी नकाशी और खूबसूरत चित्रकारी इसकी पहचान है। मारवाड़ी पकवान और ठेठ मारवाड़ी हॉस्पिटैलिटी सभी यात्रियों का दिल खुश कर देती है। इस लग्जरी पैलेस का सफर नई दिल्ली से जयपुर और चित्तौर होते हुए जैसलमेर, उदयपुर और जोधपुर को जाता है। ट्रेन का लक्ष्य राजस्थान के सारे टूरिस्ट स्पॉट्स को कवर करना है। राजस्थान का टूरिज्म भी इस ट्रेन का खास प्रचार और देखभाल करता है। आपको कई विदेशी टूरिस्ट इस ट्रेन में नाच गाने और राजस्थानी खाने का लुत्फ उठाते दिखेंगे। इस ट्रेन में एक व्यक्ति के सफर का किराया 51,000 से 1,08,000 रुपए है। पीछे भी इंजन लगाया हुआ, जब वापस जाना। राजस्थान ऑन व्हील्स, भारत की सबसे महंगी और आलीशान ट्रेन, जिसकी टिकट्स खरीदने के लिए शायद घर का कुछ सामान किडनी से भी ज्यादा हो गया। हम बात कर रहे हैं राजस्थान ऑन व्हील्स की, जिसमें एक व्यक्ति के सफर की कीमत 3.5 लाख से 7.5 लाख रुपए है। आगरा के ताजमहल से लेकर वाराणसी के गंगा घाटों तक और खजुराहो के मंदिरों से राजस्थान के किलों तक ये ट्रेन भारत की अद्भुत सुंदरता को देखने का एक
अमूल्य तरीका है। कई अवार्ड से सम्मानित ये ट्रेन वाकई में भारत की शान है। राजस्थान ऑन व्हील्स के 14 कैबिन्स में हर प्रकार की सुविधाएं हैं, जैसे जिम, स्पा, रेस्टोरेंट्स, फ्री वाईफाई और पर्सनल टीवी। ये कम समय में उत्तर भारत देखने का एक शानदार साधन है। अधिकतर विदेशी भारत को जानने और समझने के लिए इस ट्रेन को चुनते हैं और वे इस ट्रेन की मेहमान नवाजी को देखकर इसमें दोबारा आने के वादे करते हैं। एक महाराजा एक्सप्रेस। महाराजा एक्सप्रेस इंडिया ही नहीं बल्कि वर्ल्ड की सबसे लग्जूरियस ट्रेन में से एक है। ये ट्रेन शाही अंदाज में भारत दर्शन के लिए खास तौर पर बनाई गई है। इसके अधिकतर यात्री दूसरे देशों के होते हैं और इसलिए इसकी मेहमान नवाजी देश के सबसे बेहतरीन दल के हाथों होती है। मतलब महाराजा एक्सप्रेस का सफर केवल अप्रैल से अक्टूबर तक किया जा सकता है। ट्रेन की कुल लंबाई आधा मील है और इसका नाम दुनिया की 5 सबसे खूबसूरत ट्रेन में गिना जाता है। ट्रेन के हर कोच का नाम कर्नाटक पर शासन करने वाली रियासतों के नाम पर है। महाराजा एक्सप्रेस के हर यात्री को बार और लाउंज में कॉम्प्लीमेंट्री बियर, वाइन और स्नैक्स दिए जाते हैं। डीलक्स कैबिन्स, LED टीवीज, DVD प्लेयर्स, ये सब महाराजा एक्सप्रेस के हर कैबिन में होते हैं। इसके अलावा डाइनिंग हॉल जिसमें 40 यात्री एक साथ भोजन कर सकते हैं, और अगर इतने से भी मन ना भरे तो आप इस ट्रेन की बुटीक में जाकर कुछ शॉपिंग भी कर सकते हैं, जहां केवल सबसे बेहतरीन कलेक्शंस को रखा जाता है। महाराजा एक्सप्रेस के डीलक्स कैबिन्स की टिकट 3.5 लाख से शुरू होती है और प्रेसिडेंशियल स्वीट्स की कीमत 16 लाख रुपए तक की जाती है। तो क्या आप भी इन ट्रेन्स में से किसी पर सफर करना चाहेंगे? क्योंकि रेलवे इन लग्जरी ट्रेन्स के किराए को 50% से कम करने का फैसला कर रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और देखें हमारा वीडियो टॉप 10 ब्यूटीफुल ट्रेन राइड्स। ऑसम यार, ट्रेन्स प्लेन्स को पीछे छोड़ दिए बिल्कुल। ऐसे ही लग्जरियस की लग्जरी की बात करें तो टॉप 1 से लेकर टॉप 10 से लेकर टॉप 1 तक तमाम की तमाम ट्रेन लग्जरियस है, बिल्कुल नो डाउट। और मेरे ख्याल में हमने जब से रिएक्शन वीडियो स्टार्ट किए हैं हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं और हमें बहुत सारी चीज़ों का पता चला है जो हमें पहले नहीं पता था। बिल्कुल। और महाराजाज एक्सप्रेस 16 लाख यहाँ पे थोड़ा सा मैं ये पूछना चाहूँगा, ये अब इन्होंने बताया कि एक ट्रेन ऐसी है कि जो सिर्फ मंथ में सिर्फ दो दफा चलती है, वो फेरी टेल है मेरे ख्याल से। हाँ, मतलब ऐसे है कि अब ये उसका किराया मिसाल तो 16,000 या 50,000 है, तो ये लेके भी जाएगी और आपको विजिट भी करवाएगी, सारा जो टूरिस्ट वगैरह होते हैं उनको वापसी भी लेके आएगी, या जस्ट लेके जाने का 16,000 या 50,000 किराया, तो आप पता नहीं, तो आप ही बताएंगे हमें। क्योंकि कुछ ट्रेन का किराया 3.5 लाख इवन के 16 लाख तक बताया गया। बिल्कुल, महाराजा एक्सप्रेस का महाराजा, तो ये या तो ये स्पेसिफिकली इसी पर्पस के लिए बनाई गई है, टूरिज्म स्पॉट वगैरह के लिए सारा। लेकिन उसके लिए तो फिर यही होगा ना, वो आपको जाती होंगी, लेके जाती होंगी, फिर वो रुकती होंगी कहीं ना कहीं, जो जो रस्ते में जहाँ जहाँ उनका स्टे होगा, जहाँ जहाँ वो जगह होंगी जहाँ उन्होंने विजिट करना होगा, टेम्पल्स वगैरह या और भी बहुत सारी मशहूर हेरिटेज वगैरह होती है, तारीखी जगह होती है। बिल्कुल। तो भाई मुझे तो बड़ा मजा आया देखने का सारी ट्रेन। और एक चीज बड़ी जबरदस्त लगी है कि वो कहते हैं इंडियन रेलवे अब इनको 50% किराया कम करने का सोच रही है। जा तो ये और जबरदस्त होगा, अगर आपका रेवेन्यू कम हो रहा तो आपके जो वहाँ पे पैसेंजर्स होंगे वो इंक्रीज होंगे और आपका वो पूरा हो जाएगा। डेफिनेटली वो एक उसी लेवल पे आ जाएगा। आप 3.5 लाख एक बंदे का अफोर्ड करने के जिसको मुश्किल हो, तो वो जब 1,75,000 पे आएगा तो वो बंदे ज्यादा आएंगे। तो यार मेरे ख्याल में जो टूरिस्ट होते हैं और जिनको शौक होता है चीजें एक्सप्लोर करने का, बिल्कुल, तो वो शायद पैसों को नहीं देखते। वो मैं बाहर के लोगों की बात कर रहा हूँ। हाँ, हाँ। जो यहाँ पे अगर हम देखें ना, ज्यादातर फॉरनर्स थे बिल्कुल। क्योंकि एक नॉर्मल पर्सन के लिए एक इतना ज्यादा एक इसका वो है बड़ा। देखे ना, अब देखो यहाँ पे इन्होंने टॉप 10 लग्जरियस ट्रेन दिखाई है, या तो ये वीडियो पुरानी है, मुझे नहीं पता, इसमें ट्रेन 18 का जिक्र नहीं है, नहीं है इसमें तेजस ट्रेन का जिक्र नहीं है, या तो ये स्पेसिफिकली टूरिज्म के लिए मुझे लग रहा है, क्योंकि इन्होंने टूरिज्म स्पॉट्स को ही ज्यादातर इन्होंने फोकस किया है इस वीडियो के अंदर। जो तेजस है, ट्रेन 18 है, ये पैसेंजर लोकल ट्रेन है, लोकल ट्रेन होंगी जो आपको, जैसे कि वो मीन वो आपको शहर टू शहर सिटी में भी लोकल नहीं, इन्होंने जैसे वो सिखों की एक ट्रेन थी, वो कहता है 5 गुरुद्वारे कवर करते हुए जाती है, तो ये मेरे ख्याल से ऐसे टूरिज्म स्पॉट्स या रिलीजियस प्लेसेस को विजिट करने के लिए ना इन्होंने ये इंडियन रेलवे ने ये स्टेप लिया।
तो अच्छा लगा, काफी बहुत इनोवेटिव अच्छी वीडियो लगी थी, वीडियो। और मुझे वो फेरी टेल का नाम मुझे हाँ सबसे बहुत पसंद बहुत आया, और लग्जरियस में महाराजा एक्सप्रेस, बहुत उसका ज़्यादा। बाहर केबिन की आप देखें कितना जबरदस्त उसको लुक दिया, अट्रैक्टिव लुक दिया उसको, और एंड आप शॉपिंग भी कर सकते शॉपिंग हैं में कर सकते हैं, अंदर, एक पूरा बुटीक उन्होंने बुटीक बनाया हुआ बुटीक है, बनाया हुआ है, और बहुत मौसम ज़बरदस्त। अगर यार उसका अंदर से थोड़ा सा लुक हो जाता तो बुटीक और भी दिखाया मज़ा आ था ना थोड़ा सा, जाता। जैसे लाइब्रेरी दिखाई है, जिम्नेजियम हाँ दिखाया है उन्होंने मुख्तलिफ ट्रेन में, तो ज़रा वो बुटीक को भी दिखाया था, तो और ही ज़बरदस्त इसका हो जाता सिस्टम, तो ऑसम मैं, यार। थैंक यू, आपने लाइब्रेरी वाला मुझे याद करवा दिया, मुझे भूल गया था कि हाँ भाई वाकई में ये भी बहुत अच्छी बात है। बहुत से बिल्कुल लोग होते हैं जो बुक वर्म होते हैं, जो लोग बिल्कुल बुक्स को पढ़ना पढ़ना उनको पसंद होता है, तो सफ़र एक लंबा सब है, लंबा है लाइक बिल्कुल। आपने रुकना है मीन बहुत सी जगहों पे, लेकिन उनके दरमियान वाला जो पोर्शन आता है तो वहाँ पे आप इजीली जाकर लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी से बुक लेके अपने कैबिन में आकर आराम से बिल्कुल, पढ़ सकते और हैं। आप इसमें ना आप इन्फॉर्मेटिव बुक्स भी डाल देते हैं, जैसे फॉरनर्स होते हैं, आप हर बंदे का तो गाइड करना मुश्किल हो जाएगा, उनसे यार कहा कि हमें लाइब्रेरी विजिट देखो, करें कि सॉरी, हाँ 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 बोले सॉरी, सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ बोले यार, हम लोगों को नहीं पता था इस चीज़ के बारे बिल्कुल में, हम अब ऐसे ही एक्सप्लोर कर रहे हैं, हमें पता चल बिल्कुल रहा है। बिल्कुल। तो जो फॉरनर्स आते होंगे या कि यहाँ से भी कोई लोग जाते होंगे, तो उन लोगों को नहीं पता होगा नहीं इंडिया पता इन के चीज़ों बारे में, इन का, चीज़ों को, इन जगहों के बारे इतने में। तो जगहों के बारे में उस तो इन्फॉर्मेटिव बुक्स होती होंगी जो जिनको रीड करके और बिल्कुल वहाँ की जगहों के बारे में इन्फॉर्मेशन हासिल कर बिल्कुल, सकते होंगे। और फॉरनर्स के लिए बहुत अच्छा होगा ये, क्योंकि उनको पहले पता लग जाएगा यार हम जिस जगह पर जा रहे हैं, इस जगह की क्या मशहूर प्लेसेस हैं, यहाँ की क्या है ना, मतलब क्या चीज़ें जो हमें अट्रैक्ट कर सकेंगी, तो एक इंग्लिश के अंदर बुक्स होंगी इसके अंदर, तो वो उनको अट्रैक्ट करेंगी काफ़ी, और उनको टूर मज़ीद वो एक एडवेंचरस भी हो जाएगा और और इंजॉयफुल भी हो जाएगा, बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त हो ऑसम जाएगा। यार, कमाल कर दिया यार, ये तो ज़बरदस्त वीडियो थी, ये कार्तिक कुमार ने सजेस्ट की थी, या और ऑसम वीडियो भाई आपने सजेस्ट किया। वीडियो के एंड में मैं आपसे एक और बात शेयर करना चाहता हूँ, हमारे पास एक न्यूज़ है आप लोगों से शेयर करने के लिए, वो हम आपको नहीं पता, वो मुझे पता है, अच्छा तो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला आपसे शेयर करेंगे। और एक हमारे लिए एक अचीवमेंट कह लें या जो मर्जी कह लें, वो मैं अभी आपको भी नहीं बताऊंगा, आपको भी नहीं ओहो पता, ओहो तो मैं शेयर करूंगा और थोड़ी सी हम सेलिब्रेशन भी करेंगे उस चीज़ की, और आप लोगों से उसमें बात भी करेंगे। बात वो भी करें। बेसिकली एक व्लॉग होगा, वो एक रिएक्शन वीडियो नहीं होगी, हाँ तो हाँ हम आपसे इंशाल्लाह ताला शेयर करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर सजेस्टिंग अस दिस वीडियो, बिल्कुल, और उम्मीद है आप लोगों को भी वीडियो अच्छी लगी वीडियो अच्छी होगी। अगर लगी आपको होगी, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर और कीजिएगा। हमें फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती है, हमें आप ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, हमारा फेसबुक पेज व्यूज़ कॉर्नर के नाम से लाजमी लाइक कीजिएगा उसको, वहाँ आपको तमारे हमारे वीडियो के लिंक्स जो हैं वहाँ आपको मिल जाएंगे। और चलो यहाँ पे वैसे हम वीडियो ख़त्म कर देते हैं, यहाँ पे एक और बात कि हमें जो नीचे फीडबैक आ रहा था कि हमारी आवाज़ थोड़ी सी स्लो हो रही थी, तो अब आप काइंडली आपने बताना है कि अब हमारा जो वॉइस टोन है वो अब ठीक है या वो लो है। बिल्कुल अगर लो है तो फिर डेफिनेटली हम उसको और इम्प्रूव करने इम्प्रूव की करने की कोशिश कोशिश करेंगे। करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही है, तो अब और तक के लिए हमें इजाज़त दें, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।